हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशन। किसके बारे में सेफ्टी प्रिकॉशन जानेंगे? CO2 या GMAW जो वेल्डिंग होती है उसके हम सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, अगर आप सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं या फिर दोस्तों आपकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। तो दोस्तों बताऊँगा CO2 वेल्डिंग में कौन कौन सी आपको सावधानियाँ रखनी है ताकि आप जो है कभी भी बीमार ना हो और आपके शरीर पे कभी भी कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों ये देखिए, आपको पहला जो है क्या, इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। दोस्तों GMAW CO2 वेल्डिंग से संबंधित सुरक्षा सावधानियों का वर्णन करो। निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां दोस्तों जो अपनाई जाती हैं, पहला है आपका कुछ जो अपनाना है आपको, आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी जो है हमें नंगी आंखों से वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अधिक लंबे समय तक वेल्डिंग करना हो तो आर्क हेलमेट के नीचे 12 लेंसों का सेड फ्लैश पहनने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको अगर लंबे समय के लिए वेल्डिंग करने हो तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 12 लेंसों वाला एक शीशा आता है या हेलमेट आता है तो उसका अपने उसका उपयोग करना चाहिए आपको। ठीक है, ताकि आपकी आंखें जो है सेफ रहे, दोस्तों आंखें आपकी लाल हो जाएगी और आंखें खराब होने का डर भी रहता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, फेरस धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए 12 तथा नॉन फेरस धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए 11 लेंसों का जो हेलमेट सुझाया गया है। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम वेल्डर हैं जो ऐसा नहीं करते, वो अपनी दोस्तों आंखों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको दोस्तों अगर फेरस धातुओं की वेल्डिंग कर रहे हैं तो 12 लेंसों वाला और अगर नॉन फेरस की वेल्डिंग कर रहे हैं तो 11 लेंसों वाला जो है हेलमेट या चश्मा उपयोग करना चाहिए। आगे दोस्तों देखिए, ये तीसरा पॉइंट क्या है, सभी वेल्डिंग बूथ ये पर्दे में करनी चाहिए। जो सभी वेल्डिंग है दोस्तों, जितनी भी वेल्डिंग है आपको पर्दे में ही करना चाहिए। पर्दे या बूथ लगा होता है, जैसे कि आपने ITI CTI में देखा होगा, वहाँ दोस्तों बूथ बने होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, उसके अंदर ही आपको वेल्डिंग करना चाहिए ताकि आसपास के व्यक्तियों पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। आगे दोस्तों जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर कोई और है तो उनको दोस्तों उनके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, उनको उनकी आंखों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए आपको पर्दे में या बूथ में आपको वेल्डिंग करनी चाहिए। आगे चौथा है, वेल्डिंग करते समय उचित ड्रेस पहननी चाहिए। उचित ड्रेस यानी दोस्तों उचित ड्रेस क्या होता है, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको दोस्तों एप्रन पहनना चाहिए, स्लीव्स, ग्लव्स, जो भी आपको सब पहनना चाहिए। ठीक है, ताकि दोस्तों रेडिएशन से बचा जा सके और नर्म धातुओं का अगर जलने से, जो नर्म धातु आप जानते होंगे जो स्वेटर्स वगैरह निकलते हैं तो आपके शरीर पर चिपक जाते हैं, तो दोस्तों आपके कपड़े खराब ना हो इसलिए आपके चमड़े के वस्त्र पहनने चाहिए, जो दोस्तों चमड़े के बने होते हैं जिन्हें एप्रन बोलते हैं, वो आपको पहनना चाहिए। आगे पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट है, वेल्डर के आसपास के वातावरण को साफ रखने चाहिए और एग्जॉस्ट फैन या फ्यूम एक्सटेंसर लगा होना चाहिए। ठीक है, अगर वेल्डर जहां वेल्डिंग कर रहा है वहां पे एग्जॉस्ट फैन जरूर होना चाहिए और धुआं निकालने वाला यंत्र जिसे बोलते हैं फ्यूम एक्सटेंसर, वो भी आपको वहां पे लगा होना चाहिए। ठीक है, ताकि धुआं वहां पे वर्कशॉप में इकट्ठा ना हो। छठा पॉइंट देखिए, GMAW वेल्डिंग करते समय भी ओजोन उत्पन्न होती है। ओजोन दोस्तों उत्पन्न होती है जो कि एक बहुत ही विषैली गैस है, जो दोस्तों बहुत ही विषैली गैस है और क्लोरोनित हाई कार्बन, इसको साफ कर देता हूँ, ये देखिए ध्यान से पढ़िए, ये दोस्तों ऐसे ऐसे जो गैसें निकलती है, क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन विलायक के साथ अवर्णित धातुओं की वेल्डिंग करते समय दोस्तों जहरीली गैसें फॉस्फिन उत्पन्न होती है। ठीक है, फॉस्फिन उत्पन्न होती है, इसलिए इससे बचाव रखना चाहिए। तो दोस्तों जहरीले गैसें निकलते तो आपको निकलती हैं तो आपको दोस्तों मुंह पे लगाना चाहिए मास्क या रेस्पिरेटर बोलते हैं उसको, तो आपको लगाना चाहिए ताकि आपके अंदर जो है कोई भी धुआं कोई भी गैस ना जाए और आपका जो है कभी भी स्वास्थ्य खराब ना हो। ठीक है, आज दोस्तों देखिए 7th नंबर, आर्क केबल की क्षति होने से रक्षा करनी चाहिए। जो भी दोस्तों आपकी आर्क जो है जिसमें दोस्तों आप वेल्डिंग करते हैं जो केबल है दोस्तों, उसको क्षति होने से बचाना चाहिए ताकि दोस्तों नुकसान भी ना हो कंपनी का और आपका, क्योंकि दोस्तों अगर आप नंगी होगी क्षतिग्रस्त होगी तो आप उसको पकड़ेंगे तो करंट लग सकता है, तो उसको दोस्तों सेफ रखना चाहिए, उसको रक्षा करनी चाहिए। आगे दोस्तों आठवां पॉइंट देखिए, शील्डिंग गैसों के सिलेंडर को सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। शील्डिंग गैसें जो भी दोस्तों उसमें गैस होती है, CO2 सिलेंडर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर, उसको सावधानीपूर्वक जो है स्थान से स्थान पर ले जाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, ट्रॉली का यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
अगर 9 नंबर पॉइंट है, मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस से प्रयोग की जाती है, इसका प्रयोग बंद कमरे में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दम घुटने का डर भी रहता है। ठीक है, जब भी आप मिग वेल्डिंग कर रहे हो, जो इनर्ट गैस होती है उसको कभी भी बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका दम घुट सकता है और दोस्तों अगर कोई ना हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों देखिए 10वां, बिजली की केबल क्षतिग्रस्त नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर बिजली का केबल यानी दोस्तों कोई भी आपका केबल है तो उसको कभी क्षतिग्रस्त है तो उसका प्रयोग करने से बिल्कुल मना कर दे। ठीक है, कि मैं इसका प्रयोग नहीं करूँगा, मुझे करंट वगैरह लग सकता है। ठीक है, अगर देखिए ज्वलनशील पदार्थ वेल्ड क्षेत्र से दूरी रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जो है वेल्ड क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई आग वगैरह ना पकड़ सके। सभी बिजली के जोड़ टाइट होने चाहिए, जो भी आपका बिजली का पॉइंट है उसको टाइट होना चाहिए, कोई भी उसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी वेल्डिंग मशीन को गीले कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए। कोई दोस्तों आपने देखा होगा आईटीआई में अगर आप टीचर हैं तो उनको कहेंगे कि जो है वेल्डिंग मशीन को साफ कर दीजिए, कई स्टूडेंट दोस्तों गीले कपड़े से साफ करना चाहते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे दोस्तों 14 है आपका लास्ट है, वेल्डिंग मशीनों की अर्थिंग जो है उचित अर्थिंग होनी चाहिए, यानी दोस्तों नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आपको जो ज्वाइंट लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये जी दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।